When I first entered campus as a freshman, I remember I was quite confused which activity to take part in apart from academics. There were a plethora of activities which were going around, and the clubs, they were trying to attract us to them. S&T Council देखा, Sci-Tec Pavilion, जहाँ exhibitions वगैरह लगती हैं. Exhibitions होती हैं कई clubs की. कई clubs देखे मैंने, Electronics Club, Robotics Club, Programming Club, Ham Club. मैंने सोचा था कि IIT के में आने के बाद ऐसे ही कुछ cool चीज़ें करूँगा, कुछ geeky stuff करूँगा. और Sci-Tec Council में जब सबसे पहले इंट्रोडक्टरी lectures हुए various clubs के, that was very much fascinating. बचपन से ही astronomy के लिए मेरा कुछ attachment था, जिसकी वजह से मैंने एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन किया. I was interested in aero modeling, as well as I found some of my interest in robotics. उसके basic lectures attend किए, seniors ने workshops जो रखी थी, workshops attend की, and it was overall very good. मुझे सभी क्लब बहुत अच्छे लगे, लेकिन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब बहुत अच्छा लगा. उसमें मैंने देखा कि कैसे लोगों ने सर्किट बनाए हुए हैं, उससे टॉर्च LEDs जला रहे हैं, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने लेक्चर्स और वर्कशॉप्स अटेंड करे. आई रिमेंबर द फर्स्ट सर्किट दैट आई हैड मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेक्निक. दैट वाज इट्स सेकेंड ईयर मोस्ट प्रोबेबली. आई डिडंट एंड अप ऑन द विनिंग साइड, बट आई रिमेंबर द काइंड ऑफ जॉय दैट आई रिसीव्ड व्हेन आई सॉ माय सर्किट वर्क. It was immense, and I cannot put it in words. Well, that 1 year of experience in Bhakti Club, my interaction with seniors, waking them up at late night hours and early in the morning just to help me out with my circuit, that taught me a lot. And that is the time when I realized that this is it that I want to do. मैं एक zero level से शुरू कर रही थी, पर seniors इतने अच्छे थे, इतना मजा आता था उनके साथ काम करने में. It was very much of fun and learning. It is not about only technical stuff. You get to meet lot of people. Seniors मिलते हैं, बच्चे होते हैं, बैचमेट्स होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, उनके साथ काम करते हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ सीनियर सिखाते हैं, तुम भी कई चीज़ें सीनियर्स को सिखाते हो, तुम बच्चों से कई सारी चीज़ें सीखते हो. एंड छोटी छोटी जो मोमेंट्स होती है, ट्रीट्स होती है, दीज आर क्वाइट गुड थिंग्स. आई मीन दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ. You dream of doing something that, okay, let's write a code for doing this. Maybe at the end of the day, you are not able to do the full part of it, but you are able to develop some part of it. And like when you say it working, I mean, it's such an awesome experience that, you know, not many get to feel. And I mean, on top of the world feeling you get, like, is just amazing. रात रात भर बैठ के नाइट आउट मार के काम कर रहे हैं, रूम के अंदर कचरा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, कहीं पे कुछ पड़ा है, स्टफ्स पड़े हैं, अलग अलग मोटर्स पड़ी हैं, व्हील्स पड़े हैं, बत्ती का स्टफ पड़ा है, स्वीपर आता था झाड़ू मारने के लिए, उसको कटा दिया, भैया आज नहीं कल नहीं, हमेशा के हमेशा उसको कटाए जा रहे हैं, ऐसे पूरा समझ निकल गया, पूरे रूम पे कचरा ही कचरा है, उसी में सो रहे हैं. उसमें सही बताऊँ तो नींद और भी अच्छी आती थी उन सारे स्टफ्स के पास में, मतलब सोने में. दैट वाज ऑल प्रीटी एक्साइटिंग. देयर हैव बीन वेरियस कॉम्पिटिशन दैट हैज प्रीवियसली टेकन प्लेस, एंड याहू हैकी वाज वन ऑफ देम, एंड इट वाज वन ऑफ ए मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माय स्टे इन IIT कानपुर. वी स्पेंट अराउंड 40 आवर्स विदाउट स्लीप, एंड राइट फ्रॉम फर्स्ट आवर वी वर थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू. वी लर्नड न्यू थिंग्स इन शॉर्ट टाइम, एंड वी सैट फॉर कोडिंग. वी रैंडमली फॉर्मड अ टीम, एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अमंग आवरसेल्फ, एंड वी कोडेड समथिंग दैट सीम्ड प्रीटी कूल. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वॉज लाइक टू स्लीपी, एंड वी स्टिल गेव ए वेरी गुड प्रेजेंटेशन, एंड in fact also won a place. But so these are the experiences that those are something that you will never forget in your life, and at some point in time you will feel very good about it when you see it in retrospect. I'm from mechanical engineering, but the Science and Technology Council provided me with an avenue to take part in some activity which is different from my discipline, that is electronics in this case. And in the end it made me realize that this council helps you to pursue technological activities as a hobby. It helped me realize that technological activities are nothing but another form of hobby. But most importantly, what I learned was the art of imagination. Without imagination, you cannot achieve anything in life. The club is not just a hobby, but it can also lead to something that's your future career. Your entire professional career is lying right in front of you.
For the last 4 years that I've been associated with the club and with the council itself, I've met some amazing people who are doing some great things. And you realize it is not just a bunch of amateurs or hobbies that who are coming together and having some fun. But also you see right before your very eyes, you see the formation of the next generation of professionals, individuals and leaders who are going to shape the entire world of technology. And you realize that this is a great place to be. You meet amazing people, you learn a lot of stuff, and along with it, not only you just grow yourself, but you make other people grow around you, and it's just a great place to be with, along with everybody else. When you have stayed in the campus for 4 years and it is the time for you to leave, I mean, what you take from campus is not your degree, it is not your grades, it is what you have done, it is what you have enjoyed in the campus. Science and Technology Council provides a really nice platform for doing the things you are really interested in and pursue your passion and do things out of the box. And you can do anything without any constraints, and you can really have a very nice time over here and nice experience in the council. थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, चिराग से भी कुछ कुछ गुजार रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। हाँ? Cut it. चलो नहीं नहीं